हेलो गाइस, आज एसएससी तहलका में हम लोग एसएससी का मैथ्स में फेवरेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको नजर आता है। और इसको सॉल्व करने में हम लोग कैसे एक सेकंड का यूज करेंगे, एक सेकंड, दो सेकंड बोलने के साथ आपका वैसा आंसर हो गया, तो हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/5 की गति से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी वो अपने यूजुअल स्पीड से नहीं जा रहा, स्पीड कम कर दे रहा, 3/5 मतलब स्पीड को कम कर दिया, यानी पहले स्पीड 5 था तो अब स्पीड 3 हो गया। तो हम लोग को पता है कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, मतलब पहले टाइम 3 लग रहा था तो अब टाइम 5 लग रहा है, पहले 3x था तो अब 5x है। हम लोग एकदम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 और 5 दोनों का डिफरेंस 2 है और ये 2 बराबर 16 मिनट गिवेन है। जी हाँ, 2 बराबर 16 मिनट गिवेन है। तो हम लोग को यूजुअल पूछ रहा है तो 3 बराबर कितना, तो ये पहले वाला जो है ना वो आप इसको यूटी यानी यूजुअल टाइम बना लो और 5 वाले को एफटी यानी फाइनल टाइम निकाल लो बना लो कि यूटी यूजुअल क्या लग रहा है। तो यूजुअल तो 3 लग रहा था, जब 2 का ये 8 गुना है तो 3 का 8 गुना कर दो 24 मिनट। जी हाँ, हो गया आपका आंसर, हो गया ना सेकंडों में। क्या कि दोनों का डिफरेंस ये 2 बराबर, ये 2 कहां से है तो 5 माइनस 3 देखने के साथ 2 बराबर 16, 8 टाइम्स है तो 3 बराबर 24। जी हाँ, हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं और वो क्वेश्चन है ये। तो क्या देखे हम लोग कि By walking at 4/7 of his usual speed, a man is 21 minutes late to his office. फिर देख रहे हैं क्या दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस 3 होगा और ये 3 बराबर तो 21 मिनट्स। लेकिन हमारा यूटी क्या है, यूजुअल टाइम क्या है, तो ये पहले वाला मैंने बताया कि पहले वाला है वही यूजुअल टाइम होगा, तो 4 इसका 7 टाइम्स है, तो इसका 7 टाइम्स 4 × 7 दैट इज 28 मिनट्स हो गया। बहुत आसान था, ऐसे ही और भी बहुत सारे ट्रिक लेकर हम लोग एसएससी तहलका में आएंगे और यूट्यूब पर बहुत जल्द लाइव क्लास में हम लोग शामिल होंगे। तो थैंक यू।